जो अपकमिंग शेड्यूल्स थे उनके ट्रैवल्स के, उनमें क्या कोई बदलाव हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली में जो प्रोग्राम था, आज सुबह का अपॉइंटमेंट जो था माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रोग्राम था, लेकिन उसमें जो प्रोटोकॉल था टेस्ट का, कोविड का, उसमें वो पॉजिटिव आए और मेरी बात भी हुई अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो अभी फिलहाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो शेड्यूल थे प्रोग्राम्स जो तय हुए थे, जैसे 21 तारीख की हमारी एक अभिनंदन था मुख्यमंत्री जी का कांगड़ा जिला में, धर्मशाला में, तो उसको भी टाल दिया गया है। और जो मुझे लगता है जो सेशन है 22, 23, 24 का, जितने भी ये कार्यक्रम थे तकरीबन ये सारे रीशेड्यूल होंगे, अभी पोस्टपोन होंगे। उसका कारण है कि कम से कम ऐसी संभावना है कि 6-7 दिन तो मिनिमम क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो ये एडवाइस है, ये प्रोटोकॉल है, उसको निभाना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये फैसला लिया है अपने टीम से पूरी बातचीत करके कि जो प्रोग्राम्स है अगले 3-4 दिनों के जो तय हुए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण था कि सेशन होने वाला था धर्मशाला में 22, 23, 24 को, फिलहाल वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। सर, किस तरीके से देखते हैं कि अभी अपकमिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो मुख्यमंत्री लेने जा रहे थे, तो उन बैठकों को वर्चुअली जो है वो कनेक्ट करेंगे मुख्यमंत्री या कंप्लीट उनको रेस्ट दिया जाएगा इस दौरान? नहीं, अभी देखिए, अभी तो 3 दिन तक तो एटलीस्ट कंप्लीट रेस्ट रहेगा और उसके बाद देखते हैं डॉक्टर से बातचीत करके कि वो पोजीशन क्या रहती है, कैसी स्थिति रहती है, उसके बाद ही कुछ अगली तैयारियां या अगली बात की जा सकती है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से जो प्रोग्राम तय थे, ये सेशन और हमारा जो और मीटिंग्स थी, वो फिलहाल सारी जो है पोस्टपोन कर दी गई है। लेकिन अगले 3-4 दिन में जो भी स्थितियां बनेंगी वो सरकार की तरफ से भी उसकी जानकारी आप लोगों के जरिए भी पूरी तरह से इस पर नज़र रखेंगे कि कैसे कैसे आगे परिस्थितियां बनती है। जैसे ही उनके इसमें सुधार होगा, हो सकता है कुछ काम शुरू हो सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल को भी देखना है कि कितने दिन का मिनिमम प्रोटोकॉल जो है, दोबारा टेस्ट होगा, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, तब जाके वो अपने काम शुरू कर सकते हैं। क्वारंटीन की ये अवधि जो है वो दिल्ली में ही कंप्लीट की जाएगी कि 3 दिन बाद जो है वो मुख्यमंत्री प्रदेश लौटेंगे और यहाँ पर जो है बाकी की अवधि पूरी करेंगे? एट प्रेजेंट तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में है, ये संभावना है कि 3-4 दिन बाद कैसी स्थिति रहती है, रिव्यू करेंगे उसके सिचुएशन को कि कैसे इसको आगे करना है। लेकिन जो एक मिनिमम जो क्वारंटीन टाइम है वो 7-10 डेज है। लेकिन अगर उनकी स्थिति में, क्योंकि देखना ये है कि 3 दिन बाद दोबारा भी टेस्ट किया जा सकता है 4 दिन बाद, कि उसके बाद क्या स्थिति बनती है उस पर नज़र रहेगी पूरी। चीफ सेक्रेटरी साहब इसमें पूरी तरह से इसको देख रहे हैं और जो भी अगली फर्दर जानकारियां हैं वो मीडिया के जरिए हम आपके जरिए आपसे शेयर करेंगे और प्रदेश की जनता को इसको आगे शेयर करेंगे आपके जरिए। आज प्रोटेम स्पीकर की जो है वो शपथ होनी है, क्या उसमें वर्चुअली मुख्यमंत्री जुड़ने जा रहे हैं? ये प्रोटेम की जो ओथ होनी है वो शेड्यूल्ड है या उसमें भी कोई बदलाव हुआ? मुझे लगता है कि वो एज जो शेड्यूल्ड है आज के लिए उसको शायद कंटिन्यू कर रहे हैं, कि वो प्रोग्राम जो था, जो एक प्रोटेम स्पीकर की ओथ आदरणीय श्री चंद्र कुमार जी को दलानी थी, वो प्रोग्राम मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा, उसको हम पूरा करेंगे आज।